खरगोन शहर के डाइवर्शन रोड पर संचालित हो रही साई नर्सिंग कॉलेज में 9 माह तक प्रशिक्षण देने के बाद अचानक 38 छात्र छात्राओं को अप्रवेशित बताकर क्लास से बाहर करने का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन ने फीस और दस्तावेज जमा नहीं करने का हवाला दिया, जबकि विद्यार्थियों का कहना है फीस एवं दस्तावेज कॉलेज के एजेंट पंकज मालविया को जमा कराए थे। 9 माह तक क्लास में बिठाने के बाद अचानक चालू सत्र में बाहर करने से नाराज विद्यार्थी मंगलवार को परिजनों के साथ कॉलेज पहुंच गए। हालांकि विद्यार्थियों के पास जमा राशि या प्रवेश संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था। करीब 2 घंटे चली बहस के बाद एडमिशन कराने में मध्यस्थता करने वाले पंकज मालविया ने मामले का पटाक्षेप कराया, जबकि कॉलेज मैनेजमेंट देख रहे मैनेजर मंगल सिंह चौहान ने बताया कि पंकज का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में मैनेजमेंट ने किस तरह प्रवेश दिया मुझे नहीं पता। मैंने 1 माह पहले कामकाज संभाला है जिसमें 38 बच्चों की फीस और दस्तावेज नहीं मिले। कॉलेज और एजेंट के बीच चल रही खींचतान का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। में श्री साई कॉलेज में बच्चों की कुछ 38 बच्चों की समस्या है। उनमें बच्चों का कहना पड़ रहा है कि हमने फीस जमा कर दी है और डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन का कहना पड़ रहा है कि उनके पास न कि एडमिशन हुआ न कि फीस जमा हुई है, तो बच्चों को बाहर कर रहे हैं। तो उनके साथ हमारे ये बच्चा है तो उनके साथ हमने उनका समस्या का निराकरण के लिए हम कॉलेज प्रबंधन से बात करने के लिए आए हैं। और लड़के बता रहे हैं कि जो पंकज मालविया नाम का जो व्यक्ति है वो पैसे इनसे ठगी के रूप में एडमिशन के मामले में इनसे ठगी की है। तो बच्चे जब उनसे बात करने की कोशिश की तो ना कि उनका फोन उठा रहे और ना ही उनसे मिल पा रहे हैं, वो भगते जा रहे हैं। तो मांग करते हैं, हम ये मांग करना चाहते हैं कि बच्चों को भविष्य का देखते हुए उनका एडमिशन हो जाए और श्री साई कॉलेज में उनका एडमिशन हो और ये अच्छे से पढ़ाई करें। जागीरा मोड़ले आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश सचिव। एडमिशन पंकज मालविया सर से हुआ था, वहाँ ये माया देवी कॉम्प्लेक्स से और साई कॉलेज में ही हुआ करके बोले थे। और अभी इतनी 9 महीने से हमको क्लास में बिठा रहे और अब क्या कहना पड़ रहा है, अभी तक फीस नहीं आ रही वो पंकज सर की और यहाँ पे अब मना कर रहे हैं बिठने। संस्था से मिलने नहीं आए थे, एजेंट ने जब एडमिशन कराया तो उन्होंने यहाँ के संपर्क नहीं कराया कि हमारा बच्चा एडमिशन हुआ है। नहीं, वो मिलने नहीं आए, फोन पे बात हो गई करके बिठा देते। एडमिशन कितने कर रहे हैं, कौन से क्लास में हो? बीएससी 22। क्या नाम? सुभाष डावर। इसने जमा हुई है, पंकज सर के यहाँ एडमिशन हुआ है। हमको बोला गया है कि तुम्हारा एडमिशन ये श्री साई कॉलेज में हुआ है और फीस भी नहीं आई है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पूरे आए हैं यहाँ कॉलेज में। और सर बोलते हैं कि हमारी बात हो गई है सर से और तुम कॉलेज में जाके बैठो। हमको 8 महीने से कॉलेज में बिठाया जा रहा है और अभी बोल रहे हैं कि तुम सर से बात करो। तो हम सर से बात करते हैं तो सर बोलते हैं कि हमारी बात हो गई है, तुम जाके क्लास में बैठो बोलते हैं। और हम 8 दिन से ट्राई कर रहे हैं सर के पास से, तो सर बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो रोज के रोज यही बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ कॉलेज में, तो आते नहीं है सर। रोज की मतलब कि हमको गुमराह कर रहे हैं सर और कॉलेज में भी नहीं आते हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे बीएससी में टोटल है 11 है और जेएनएम में 26 है। सभी को बाहर कर दे? हाँ, सभी को। अभी आप कैसे मिले, क्या क्या बोल रहे हैं कॉलेज प्रबंधन? क्या बोल रहे हैं कॉलेज में? बोल रहे हैं कि तुम्हारी फीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करो और सर यहाँ जमा नहीं कर रहे हैं हमारी फीस और डॉक्यूमेंट्स। आपने पहले दे रखे हैं क्या? हाँ, पूरी फीस भी हो गई, पूरी डॉक्यूमेंट्स भी हो गए और कॉलेज में आए नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स, पंकज सर को दिए हैं। किस पर्पस से लिए थे उन्होंने, क्या बोला? उन्होंने बोला था कि तुम्हारी श्री साई कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो मतलब कि वहाँ ऐसा बोला गया था, वहाँ माया देवी कॉम्प्लेक्स से लिया गया था। संतु डावर। बच्चों की जो एडमिशन हुआ है ठीक है, वो किसी एजेंट के थ्रू हुआ है ठीक है। बच्चे ने जिस भी एजेंट को फीस जमा करवाई है, फाइलें जमा करवाई हैं और जहाँ एडमिशन हुआ है इनका, वहाँ कॉलेज तक उनकी फाइलें नहीं पहुँची हैं और उनकी फीस भी नहीं पहुँची है सर। तो बच्चे को कहना है कि सत्र चलो, जब से क्लासें अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्लास अटेंड कर रहे हैं सर मेरे। मैं जब से आया हूँ तब से मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं, इनकी फाइलें नहीं है। तो मैंने आते से सबसे पहले बच्चों को ये बोला है कि आप फाइलें लेके आ जाइए और आपकी फीस जमा करवा दीजिए, तभी हम क्लास में बिठा पाएंगे।
ठीक है, अन्यथा हम ऐसे कैसे बिना एविडेंस के हम एडमिशन दे सकते हैं आपको? हमने किसी के कहने पे नहीं बिठाए हैं सर। एक्चुअली क्या रहता है कि जब बच्चे एडमिशन करने जाते हैं, ठीक है, तो कोई एजेंट मिल जाते हैं, तो वो एजेंट आते हैं, ठीक है, कि ये हमारे बच्चे इतनी सीट रहेगी, तो उस हिसाब से हम बच्चों को फिर बोलते हैं कि वाह बेटा आप वो जब भी आते हैं एजेंट आपकी फाइल लेके आएंगे, ठीक है। अगर एजेंट इस बीच में फाइल लेके नहीं आता है और नहीं फीस जमा करवाता है, तो फिर हम सर महीना दो महीना देख लेते हैं, उसके बाद हम बच्चों को बोल देते हैं। सर एजेंट का नाम पंकज मालविया करके हैं, ठीक है, उन्होंने एडमिशन करवाया था, ठीक है। एक्स्ट्रा बच्चे कैसे ले? नहीं एक्स्ट्रा नहीं है सर, एक्चुअली हमारे पास जो सीटें 60 सीटें हैं सर, बीएससी की 60 सीटें हैं, जीएनएम की 60 सीटें हैं सर। सीटें ज्यादा होने के बाद एक्स्ट्रा बच्चों? एक्स्ट्रा नहीं है सर, एक्चुअली क्या जो बच्चे रहते हैं 38 तो ये हो ही गए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे जो एजेंट के थ्रू आया था उसकी 20 एडमिशन की मेरी परमिशन है जीएनएम की, और 10 बीएससी की बिठाने की परमिशन है। उसके बाद उन्होंने कितने बच्चों को भेजा है मुझे अब पता चला, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधे आके बच्चों को यही बोला है कि बेटा आपकी फाइलें नहीं है, जिन बच्चों की फाइलें हैं मैं उन्हीं को बिठूंगा, बाकी बच्चों को नहीं। जिन बच्चों ने फीस जमा करवाई है उनकी रसीदें हम करवा रहा हूँ सर, ठीक है, बहुत जल्द इनकी रसीद मिल जाएगी, ठीक है। रसीद एक्चुअली क्या, रसीद कट्टे खत्म हो गए थे, तो मैंने इंदौर से रसीद कट्टे। एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं, जो जिनके थ्रू एडमिशन हुआ है, वो उन्हीं से बात करें सर, तो ज्यादा बेटर। अपनी संस्था के साथ एजेंट के थ्रू एडमिशन कराते हैं, अगर बच्चों के साथ एजेंट कुछ गलती ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इसमें कॉलेज का कोई इशू नहीं रहता है। आप अगर कोई पहचान वाला हो और अगर आप बच्चे पढ़ रहे, ये बड़ी बात है ना। हाँ तो सर उससे पहले जो था उसको मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी आया हूँ, तो मेरे आने के बाद सर जब पता चला तो मैंने बच्चों को पूरा वो किया है, और मैं कॉलेज पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलूंगा, ठीक है सर। जब भी एक्स्ट्रा बच्चे हैं तो मैं बच्चों को भी बोलूंगा सर कि आप की अगर फाइल नहीं है आपका, मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है, तो मैं नहीं बिठा सकता। एजेंट के साथ आपकी भी गलती नहीं है? एजेंट के साथ हमारी क्या गलती रहेगी सर, मुझे 20 बच्चे बिठाने की, अगर 20 बच्चे मेरे पास फीस थे, जो मैनेजमेंट थे वो थोड़ा इज्जत है, जो मैनेजमेंट चला रहा है, उन्होंने भी 9 महीने तक देखा नहीं क्या एजेंट ने फाइल नहीं जमा की है बच्चों को, 1 महीने 2 महीने। क्या एडमिशन तो अभी हुआ ना 22 में सर, ये बात के बच्चे हैं, उससे पहले तो मेरे पास रेगुलर बच्चे आए हैं, 38 बच्चे पर 20 वो एक्स्ट्रा। एजेंट से बात करें सर उनसे? आपने एजेंट से बात करना था ना? नहीं हम तो बात करेंगे सर ना, अब मेरी बात सुनो, जब वो एजेंट मैं बोल रहा हूँ कि अभी आया हूँ मैं, ठीक है, 9 महीने के पहले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं 1 महीने की बात कर सकता हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह चौहान है। किस पद पे? मैं मैनेजर के। क्या कॉलेज का क्या नाम हुआ है? है ना, इसमें केवल बीएससी के बच्चों का इशू है, ठीक है, इनके फॉर्म भी भरवाए और ये बच्चे 9 मंथ से क्लास भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी 2-4 दिन से कुछ इशू हो रहे हैं कि मेरा आना नहीं हुआ, मेरा कुछ पर्सनल काम था इस वजह से मेरा आना नहीं हो रहा था, और बच्चों से मैं कांटेक्ट में भी था, फोन पे बात भी हो रही थी मेरी, लेकिन आज ही अचानक सभी लोग आ गए और इसको इशू बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठगी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा होता तो बच्चे 9 महीने से क्लास बैठती नहीं सर। ठगी का अगर मामला होता तो मैं कॉल रिसीव करता हूँ ना यहाँ पे आता सर, ठीक है। एडमिशन हो गया सर, 9 महीने से बच्चे क्लास आ रहे, श्री साई नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। रस्ते एक्चुअल क्या है सर, देखो दिसंबर तक कुछ बच्चे कैंसिल भी हुए हैं, ठीक है ना, तो हमने जो रसीदें पक्की अब देंगे हम, क्योंकि बच्चे बीएससी में बहुत से कैंसिल हुए हैं। अभी 2020 के भी कुछ बच्चे हैं जो साल डेढ़ साल तक पढ़े यहाँ पे, और फिर उन्होंने फाइलें वापस ली और फीस भी रिटर्न ली, उसमें ये अपने सर बैठे हैं इधर। सर क्या नाम है आपका? मोहन भुरिया जी ने फाइलें वापस करवाई है, बच्चे डेढ़ साल तक पढ़ा उसके बावजूद भी हमने फाइल भी दी और फीस भी दी। 38 इनके एडमिशन है सर, है ना, इसमें 11 बच्चे जो बीएससी के हैं उनका इशू था, सारे बच्चों का इशू नहीं है। ये इशू बनाया गया है कि 38 बच्चों का मैटर, ऐसा कुछ नहीं, 11 का मैटर है बीएससी वालों का, वो भी सर 2 दिन में चार्ट आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये एक्चुअल क्या फीस का कुछ इशू है इनका कि फीस हमारी जमा है हमको रसीद नहीं दी है, ये चीजें हैं, तो सर ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी बस। नहीं उनको जानकारी नहीं, स्टाफ अभी चेंज हुआ है, पहले कुलदीप सर थे वो चले गए, अभी नए सर आए उनको जानकारी नहीं है। क्या नाम सर? पंकज मालविया। हमने मिस्टर एडमिशन वगैरह देखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।